Hello everyone, this is Dr. Sonal Srivastav. Welcome back to my channel. वर्ल्ड लिटरेचर के अपने इस सेगमेंट की हम शुरुआत आज करें, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एंड सब्सक्राइब इट टू। आज हम आपके लिए लाए हैं गुजराती साहित्य मानविनी भवाई। दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें मानविनी भवाई का हिंदी में मतलब क्या होता है। मानविनी भवाई का अर्थ है जीवन का खेल। ये नॉवल गुजराती नॉवल थी। इसको पन्नालाल पटेल ने सन 1947 में यानी कि ईयर 1947 में लिखा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय। दोस्तों ऐतिहासिक नॉवेल थी और ऐतिहासिक ढंग से ही लिखी गई। पन्नालाल पटेल के गांव मांडली में जब बरसात के समय मक्के की फसल लहलहा रही थी तो उसकी रखवाली करने के लिए खेत में बने एक मचान पे बैठ गए थे वो, और वहीं बैठकर उन्होंने लिखा था उपन्यास मानविनी भवाई, जो कि आज एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। साल 1985 यानी कि ईयर 1985 में पन्नालाल पटेल को मानविनी भवाई के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी उपन्यास मानविनी भवाई पर ही आधारित एक फिल्म भी बनी थी सन 1993 यानी कि ईयर 1993 में, और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन गुजराती दिया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नॉवेल का, नॉवेल की कहानी सन 1899 से सन 1900 के बीच भारत में पड़े अकाल पर केंद्रित है, फेमाइन पर केंद्रित है, सूखा जिसे बोलते हैं, जिसे गुजरात में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना गया। ये वर्ष विक्रम संवत 1956 वर्ष था। दोस्तों ये उपन्यास आंचलिक उपन्यास यानी कि रीजनल नॉवेल है, और क्योंकि एक विशेष प्रदेश की बात यहां पर की गई है इसलिए इसे प्रादेशिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। खेती के सहारे जीने वाले गांव और वहां के जो गरीब होते हैं उनकी जो लाइफ है, उसको सर्दी गर्मी और बरसात की जो भी ऋतुएं होती हैं उनके ताने बाने के साथ पन्नालाल पटेल ने इस नॉवेल को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि नॉवेल का गुजराती लिटरेचर में अपना ही अलग स्थान है। बात करते हैं नॉवेल की स्टोरी की। देखिए उपन्यास का जो पहला किस्सा है वो फ्लैशबैक में लिखा गया है, जिसमें उपन्यास का जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मुख्य पात्र, वो है कालू। ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका है और एक ठंडक की रात में खेत की एक झोपड़ी में बैठकर, अलाव के पास बैठकर अपने अतीत को याद कर रहा है वो। बाकी जो आगे की कहानी है वो समय के साथ चलती है, मतलब कालानुक्रम जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से चलती है। मतलब अगर हम पहला किस्सा हटा दें और उस जिसमें फ्लैशबैक दिया हुआ है, फ्लैशबैक में कालू सोच रहा है कुछ, अगर हम उसको हटा भी देते हैं कहानी से तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और यही इस नॉवेल का एकमात्र बैकड्रॉप है, एक उसकी कमी है कि अगर ये फ्लैशबैक वाला जो पूरा स्टोरी सिस्टम है ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉवेल पर। एनीवेज वो हिस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर पूरा आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो उपन्यास शुरू होता है कालू के जन्म से। एक छोटे से गांव में कालू का जन्म होता है। उसकी मां का नाम रूपा डोसी और पिता का नाम वाला भाई पटेल है। अब रूपा डोसी और कालू पटेल के पिता वाला पटेल दोनों ही बहुत साधारण सा जीवन जीने वाले कपल हैं, दंपत्ति हैं, और कालू का जन्म इस दंपत्ति की प्रौढ़ावस्था में होता है। रिमेम्बर थोड़ी लेट एज में होता है ये बच्चा, और अब क्योंकि बहुत लेट एज में हुआ है इसलिए खुशी दोगुनी हो जाती है इस बच्चे के होने की। गाँव की सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं वाला पटेल के घर पे। अब बेटे का जन्म हुआ है इसलिए उसके नामकरण के लिए और ग्रह दशा की गणना के लिए ब्राह्मण को बुलवाया गया है। श्री कृष्ण वहां के लोगों के इष्ट देव हैं और उन्हें वहां के लोग कालिया देव के नाम से पूजते हैं, इसलिए वाला पटेल के बेटे का नाम कालू रखा जाता है। वाला पटेल का एक छोटा भाई है परमा पटेल, जो गांव का मुखिया है। परमा पटेल की पत्नी माली पटेल इस पूरी कहानी की वैन, वो ही एक ऐसी कैरेक्टर है जो खल पात्र एक्चुअली कही जा सकती है, क्योंकि ना तो वो अपने घर में किसी को खुश रहने देती है, ना अपने पति को खुश रहने देती है, ना अपनी बेटी को खुश रहने देती है, ना अपने पोता पोते को खुश रहने देती है, वो किसी से खुश नहीं है। होते हैं एक आध कैरेक्टर्स ऐसे, आपके आसपास भी होंगे, हमारे आसपास भी हैं। एनीवेज तो वो लेडी किसी को खुश नहीं रहने देती है, वो
एक्चुअल वैम्प है इन रियल सेंस. अगर लिटरेचर में कोई वैम्प लिखी गई है तो वो माली पटेल के रूप में देखी जा सकती है. बता दें कि गुजराती साहित्य में माली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर मानी गई है. और द रीजन बीइंग, मतलब जो कारण है वो ये है कि किसी भी लेखक ने ऐसा खलनायक, ऐसी दुष्ट फीमेल कैरेक्टर का इलास्ट्रेशन का चरित्र चित्रण इतनी डिटेल में कभी नहीं किया है. हमने आपको बताया किसी को खुश रहने देती नहीं है वो. अच्छा, इस फंक्शन में ये कालू के नामकरण के फंक्शन में जहाँ ब्राह्मण बुलाए गए हैं उसके नामकरण के लिए, इस फंक्शन में वो भी आती है. नामकरण के इस फंक्शन में जो भी ब्राह्मण बुलाए गए हैं उस बच्चे का नाम रखने के लिए, तो वो ज्योतिषीय दशा देखकर बताते हैं कि कालू बड़ा होकर समाज में एक लीडर की भूमिका निभाएगा, सफल होगा और उसके भाग्य में दो शादियां हैं. अब ये बात माली को बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो जेलस है और वो चाची है उस बच्चे की, उसको तो वहां होना ही था. उसको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी. और वो ये तय कर लेती है कि इस फैमिली का तो सत्यानाश करना ही करना है, कुछ भी करके इसका ये शादी ना तो होने देनी है ना इस बच्चे का फ्यूचर हमें बनने देना है. खैर, कुछ साल बाद एक बूढ़ी औरत फूली डोसी कालू की सगाई राजू नाम की एक लड़की से करवा देती है. रिमेम्बर द गर्ल्स नेम इज राजू, यहाँ लड़की का नाम राजू है. और समय के साथ कालू और राजू में भी प्रेम बढ़ जाता है. लेकिन क्या होता है कि इस बीच कालू के पिता वाला पटेल की हो जाती है डेथ. अब माली पटेल को मिल जाता है मौका. में वो छल कपट करके, जोड़ तोड़ करके किसी तरह से राजू और कालू की सगाई तोड़वा देती है. उसके मन को बड़ी शांति मिलती है. खैर, इधर राजू का मामा मनेगू कुछ ऐसी चाल चलता है कि राजू की शादी अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति दयाल जी से हो जाती है. कालू की शादी भी इसी फैमिली में होती है, दयाल जी की फैमिली से. अब इसको आप रिलेट कीजिएगा. दयाल जी जिनसे राजू की शादी हुई है उनके बड़े भाई की बेटी है भली, उसका नाम है भली, उसके साथ कालू की शादी करवा दी जाती है. अब राजू जो एक्चुअली कालू की बिलावट थी वो अब कालू की चचिया सास बन जाती है. रिश्तेदारी निभानी पड़ती है एक ही फैमिली में रहकर भी. दोनों एक दूसरे से सामाजिक बंधनों की वजह से दूर रहते हैं और अब एक दूसरे को याद भी करते रहते हैं लेकिन अब मजबूर हैं वो. तो इस तरह से दोनों बहुत बहुत बुरे चक्र में फंस जाते हैं. तो नॉवल के पहले पार्ट में तो वैम्प माली ने अपना पूरा काम कर दिया. अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की, जहाँ पर होता है जिक्र अकाल का. उस इलाके में छप्पनिया अकाल पड़ता है. अपनी भूख शांत करने के लिए पहाड़ी जंगलों में रहने वाले जो भील प्रजाति के लोग होते हैं वो इस गांव के लोगों को लूटने लगते हैं. यहाँ पर पन्नालाल पटेल ने इतना लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया है भूख का, प्यास का, खत्म होती इंसानियत का, कि कैसे उस समय सब एक दूसरे को मार कर खा रहे थे. इस बीच राजू का नेचर और बिहेवियर भी दिखाया गया है कि जब कालू उसका हालचाल लेने के लिए उसके ससुराल जाता है, मतलब राजू के पास जाता है, वो देखता है कि कैसे राजू नीति के रास्ते पर चल रही है, मॉरल्स के रास्ते पर चल रही है और वो अपनी हर संभव कोशिश कर रही है कि उसके पति दयाल जी को बचाया जा सके. उन्हें इस माहौल में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि दयाल जी के साथ उसे ऐसा लगता है कि वो सुखी है, वो उसके पति हैं, उसे उनकी केयर करनी चाहिए. और यहाँ तक कि अपने जेवर तक वो गिरवी रख देती है दयाल जी को बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए. लेकिन कुछ समय बाद दयाल जी की डेथ हो जाती है उसकी इस कोशिश के बाद भी और वो विधवा हो जाती है. मीनवाइल डर और भूख से परेशान जितने भी गांव वाले थे वो पड़ोस के दूसरे बड़े गांव यानी कि कस्बे में जाने की कोशिश करते हैं. देगड़िया नाम का एक कस्बा है, वो उस तरफ चलने लगते हैं. उन्हें लगता है कि वहां पर शायद थोड़ा बेटर होगी कंडीशन क्योंकि वहां पर खाने को होगा, वहां पर पानी मिलेगा. इसी गांव को चेंज करने के समय जो दुष्टा माली होती है उसको बहुत भयानक मौत मिलती है. लुटेरे उसे मार देते हैं और उसका सारा सामान लूट लेते हैं. बहुत ही भयावह किस्सा है. उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते हैं और बाद में आकर के कालू जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, वो आकर जो जिसको इतना परेशान किया था माली ने, उसने आकर के अपने कपड़े उड़ाए माली को और
यहाँ तक कि मालिक के अपने बच्चों ने भी इतनी चिंता नहीं की कि वो आकर के एक कपड़ा उड़ा जाते अपनी माँ को। मालिक को अपने किए की सजा मिलती है। आखिर में कालू और राजू एक हो जाते हैं और शायद उनके मिल जाने पर ही ऐसा संयोग होता है कि खूब सारी बारिश होती है और बारिश के साथ ही अकाल का यानी कि फमाइन का अंत होता है और साथ ही कहानी का भी। तो इस तरह कहानी में जो दो मेन प्लॉट्स हैं वो है कालू और राजू की लव स्टोरी और दूसरा है छप्पनिया अकाल और उससे दुख भोगते गाँव वालों की दुर्दशा। इस नॉवल में और भी कई कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं, घटनाएं भी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमने अब तक मेन स्टोरी लाइन जो मेन प्लॉट है स्टोरी का वो पहुंचा दिया है। दोस्तों गुजराती साहित्य जगत में पन्नालाल पटेल का नाम बहुत ऊंचा है। उनका बचपन अभावों में बीता था और इसी वजह से क्लास 8th के बाद कक्षा 8 के बाद वो पढ़ नहीं पाए आगे, लेकिन इसी अभावग्रस्त जीवन के कठिन रास्तों ने उन्हें एक सफल लेखक बनाया और आज भारतीय लेखकों की पहली पंक्ति में उनका स्थान है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेगमेंट। आपको कैसा लगा गुजराती लिटरेचर के बारे में जानकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किसी और ड्रामा या किसी और नॉवेल के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।